समस्त कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। कि जिस तरह से बिहार अपनी जाति जनगणना कर चुका है, उसी तरह से आने वाले समय में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, जिस जिस प्रदेश में, वहाँ भी जाति जनगणना होगी। देखिए, कांग्रेस ने इस देश में बंटवारे की ही राजनीति की है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। बिहार में जब से नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं, तब से पूरे देश में राजनीतिक पार्टियों में हलचल मच गई है। विपक्षी नेताओं के साथ साथ अब सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने भी जातीय जनगणना का समर्थन कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी भी जातीय जनगणना के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने का मन बना चुकी है। सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में करीब 4 घंटे तक जातीय जनगणना को लेकर चर्चा की गई थी। जातीय जनगणना को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा है कि आने वाले समय में उत्तराखंड में भी सरकार बनने पर बिहार सरकार की तर्ज पर जातीय जनगणना कराई जाएगी। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए। ऐसा करने पर देश के कई समुदाय और वंचित वर्गों के साथ बीजेपी धोखा कर रही है। वहीं बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए जाने के बाद उत्तराखंड में भी सियासत शुरू हो गई है। जातीय गणना को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दासौनी का कहना है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए और कांग्रेस की जिस भी राज्य में सरकार है वहाँ बिहार की तर्ज पर आने वाले समय में जाति जनगणना कराई जाएगी, जिससे पता चलेगा कि किसकी कितनी आबादी है और किस प्रदेश में डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है। समस्त कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। और 2011-12 में जो हमने कास्ट सेंसस कराया था उसको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया, तो हमारी 3 प्रमुख मांगों में वो भी एक प्रमुख मांग है कि हमारे द्वारा जो जनगणना कराई गई 2014 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और वो ठंडे बस्ते में चली गई, उसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं। उसके अलावा 50% का जो आरक्षण है उसका कैप हटाया जाए। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जिस तरह से बिहार अपनी जाति जनगणना कर चुका है, उसी तरह से आने वाले समय में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, जिस जिस प्रदेश में, वहाँ भी जाति जनगणना होगी। क्योंकि पता तो लगना चाहिए कि आखिर किसकी कितनी आबादी है और कहाँ किस प्रदेश में किस तरह का डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने कांग्रेस के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने इस देश में बंटवारे की राजनीति की है, कभी जाति के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर। उनकी एक ही नीति है, फूट डालो और राजनीति करो। ये लोग बताएं कि देश को कौन सी दिशा देना चाहते हैं। देश में सभी की एक ही जाति है, जो है भारतीयता, जिस पर हम लोग चलने का काम करते हैं। कांग्रेस सिर्फ फूट डालने की राजनीति कर रही है। देखिए, कांग्रेस ने इस देश में बंटवारे की ही राजनीति की है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। उनका सिर्फ एक ही है, फूट डालो और राजनीति करो। तो इस प्रकार की जो बातें पहले अपने राज्यों में करें, कौन से देश को कौन सी दिशा देना चाहते हैं। हम कह रहे हैं पूरा वसुधैव कुटुंबकम और सभी की जाति सिर्फ एक है, भारतीयता। उसी भारतीयता पे, क्योंकि जो हमारी पुरातन जो संस्कृति है वो सिर्फ एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तो हम तो उस विचारधारा पर चलते हैं। और उसी कांग्रेस केवल फूट डालने की राजनीति कर रही है। तो उनका जो बयान है, माननीय जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी बोल रहे हैं, वो केवल और केवल जो है फूट डालना चाहते हैं और जो जातिगत आधार पर जो है वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं। आपको बता दें, जैसे जैसे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसी तरह कांग्रेस भी जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी को घेरने में लगी है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी जातीय जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि हम बीजेपी पर जातीय जनगणना के लिए दबाव बनाएंगे, अगर वो नहीं करते तो उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि देश जातिगत जनगणना चाहता है।